खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, 7:30 बजे के कार्यक्रम भारत की बात में आपका स्वागत है। देश का नंबर वन शो बीते 13 हफ्तों से लगातार। आज इस कार्यक्रम में हम रांची में मौजूद हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं माँ गंगा की। माँ गंगा अभी भी बेहद गुस्से में है। उनका प्रकोप इस सितंबर के 3रे हफ्ते में भी लगातार चल रहा है, जहाँ अमूमन इस महीने तक आते आते बारिश शांत हो जाती है, लेकिन आज भी बनारस और इलाहाबाद में माँ गंगा का जो गुस्सा देखने को मिला है वो वाकई में चिंता में डाल देता है। इलाहाबाद के गंगा से सटे हुए तमाम निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और ऐसी कुछ दृश्य हमको बनारस से भी देखने को मिले हैं। गंगा का पानी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। शाम सुबह भोजन नहीं मिल रहा था, पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं, आप समझ लीजिए। सारे बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। सर 7-8 किलो हैं सर। खाने पीने के लिए बहुत ही मुश्किल उठाना पड़ रहा है। पानी बढ़ रहा है। आप लोग तो काफी अनुभव रखते हैं बाढ़ को लेकर के, क्या लग रहा है? और बढ़ेगा भी। पानी और बढ़ेगा, इतना बढ़ा तो ये हाल, और बढ़ा तो ना जाने क्या होगा। और इस पर हम कह सकते हैं, आ गई बाढ़ गंगा जी में, आ गई बाढ़। सावन घन तुमड़ी बजा रहा, अजगर नद निज भन रहा का, वलील रहा है ग्राम नगर, बढ़ता आता जो विकट प्रेत, बहचले मूल से उखड़ पेड़, बहचली फेन के सदृश में, फैला मटमैला जल भू पर, है टूट गए सब बांध मेड़, बह रहे विविध झंखाड़ झाड़, चौकियां खाट छप्पर की वार। और तस्वीरें भी यही बताती हैं कि बहुत कुछ बह गया, बहुत कुछ बह रहा है। और गंगा नदी की बाढ़ पर प्रयागराज के ही कवि श्रीनाथ सिंह ने जो दशकों पहले तब के इलाहाबाद के लिए लिखा था, वो आज के प्रयागराज पर भी 100% सटीक बैठ जाता है। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी ने बढ़ना शुरू किया तो वो भूल गईं कि ये माहे सितंबर है, सैलाब आने का नहीं बल्कि जाने का वक्त है। माँ गंगा शायद ये भूल गईं कि उनकी कोई सीमाएं हैं, उनका कोई तटबंध है। उन्हें बस इतना याद रहा कि बहते जाना है, बहाते जाना है। और गंगा की इस गर्जना के आगे हुआ ये कि हर तरफ मटमैले पानी का साम्राज्य स्थापित हो गया। आज की गंगा के रौद्र रूप को देखकर भला कोई कह सकता है कि ये वही इलाका है जहां जनवरी के महीने में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। देश दुनिया से करोड़ों लोग आए थे, जहां कभी जन सैलाब उमड़ा था वहां सिर्फ और सिर्फ जल सैलाब ही नजर आता है। इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में कुंभ का महाआयोजन हुआ था और जिस जगह पर कुंभ का आयोजन हुआ था उस जगह आज रत्ती भर भी जमीन दिखाई नहीं दे रही है। मैं मौजूद हूं गंगा जी के पुल पर और बिल्कुल सामने ये जो जगह देख रहे हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी है, ये वही जगह है जहां पर कुंभ का आयोजन हुआ था। करोड़ों लोग कुंभ में शामिल होने आए थे, लेकिन आज जमीन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, हर जगह पानी ही पानी है। मैं बिल्कुल सामने आपको दिखाऊंगा कि ये जो बड़ा सा एक मंदिर है, ये विमान मंडपम मंदिर है, जिसके ठीक बगल से एक रास्ता आता था और वही रास्ता कुंभ में प्रवेश का सबसे बड़ा मार्ग था और सारे पेशवाई जो होती थी वो उसी रास्ते से होती थी, लेकिन आज वो रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको पीछे की तरफ दिखाऊंगा कि सारी नावें इस वक्त घाट पे खड़ी हैं और इस जगह पर एक और रास्ता सामने से आता है जहां बोर्ड लगा हुआ है, तो सारे रास्ते इस वक्त जो संगम क्षेत्र में आने वाले हैं उन रास्तों तक पानी पहुंच चुका है। और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सामने दिखाऊंगा वो किला, जिस किले के अंदर वटवृक्ष है और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, पानी इस वक्त किले को छू रहा है। और बिल्कुल सामने की तरफ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं पानी के बीच में डूबे हुए, उन्हीं पेड़ के पास में संगम नोज है जहां पर करोड़ों लोग हर साल आते हैं आस्था की डुबकी लगाने। उसी जगह पर गंगा और यमुना का मेल होता है। इस वक्त पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सच तो ये है कि सितंबर महीने में इतना पानी सालों में एकाध बार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का पानी कुछ ज्यादा ही विकराल है
और ज्यादा पानी की वजह ये कि गंगा के पानी में यमुना के बढ़े हुए पानी का संगम हुआ तो प्रयागराज में खतरे का निशान खुद खतरे में आ गया। और जैसे ही गंगा नदी ने खतरे के निशान को पार किया तो किनारे के इलाकों में बनी झोपड़ियां तत्काल प्रभाव से मरणासन्न हो गई। इंसानी घर डूबे तो डूबे, माँ गंगा ने इस बार भगवान के घरों को भी नहीं बख्शा। कच्चे मकान बेमौत मारे गए तो पक्के मकान भी इस पानी के आगे पनाह मांगने लग गए। और हुआ ये कि सलोरी, छोटा बघाड़ा, दारागंज, रसूलाबाद, तेलियरगंज समेत प्रयागराज में करीब 35 मोहल्ले बाढ़ में डूब गए। और उन डूबे हुए मोहल्लों का हाल है क्या, अब जरा उसे भी देख लीजिए। प्रयागराज के ओम गायत्री नगर के इलाके को देखकर तो यही लगता है कि मानो ये इलाका गलती से नदी के बीचों बीच बसा है, लेकिन सच ये है कि इस बार इन इलाकों को माँ गंगा ने अपनी कसौटी पर कसा है। बाढ़ ने इन मकानों की नींव को अंदर से खोखला कर दिया। कई मकान तो इस पानी के आगे नतमस्तक हो गए। गलियों का हाल तो कतई मत पूछिए। यहाँ विकास की ऐसी गंगा बही है कि वेनिस की गलियों को प्रयागराज की गलियों से जलन होने लग जाए। और हाँ, इस पर हंसना नहीं है, सोचना है, क्योंकि इटली का वेनिस शहर पानी पर बसा है, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने प्रयागराज के इलाकों को पानी में बसने पर मजबूर किया है। वेनिस की गलियों में यातायात का साधन ही नाव है, लेकिन यहाँ तो गाड़ियों की जगह जबरन नावों ने ले रखी। और इस पर एक सच ये कि इन मकानों के बाशिंदों ने कल्पना में भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिन मकानों को उन्होंने बनाया, जहां उन्होंने सपनों को सजाया, मनी प्लांट लगाया, वहां अचानक से जलकुंभियां उगाएंगी। हालत ये हुई कि इंसान अपने ही घर में कैद होकर रह गया। मामला आम लोगों के बस के बाहर हुआ तो एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा, घर घर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। सर 7-8 किलो है, सबको एक साथ नहीं ले जाएंगे, रेस्क्यू करना पड़ेगा। हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो नजरों में उम्मीद की आस लिए एनडीआरएफ की टीम के इंतजार में छतों पर बैठे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे बसे करीब 30 से 35 मोहल्ले और करीब 60 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। जैसा कि आप ये इलाका देख रहे हैं, ये छोटा बघाड़ा इलाका है जहां से एनडीआरएफ ने सारे घरों से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं उसको देखते हुए इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इन इलाकों में सर्च कर रही है कि अगर कोई बचा हो तो उसको भी निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जाए। तो तारागंज से लेकर सलोरी और जो बाकी मोहल्ले हैं, उन सारे मोहल्लों में इस वक्त बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और आशंका है कि पानी बढ़ सकता है। और साथ ही आपको बताऊं कि पूरा जो प्रयागराज का इलाका है, यहाँ पर जो प्रभावित जनजीवन है वो काफ़ी बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है। जो भी गंगा और यमुना के किनारे बसे इलाके हैं, उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग बहुत से ऐसे हैं जो अपने घरों से निकलना नहीं चाहते, और यही वजह है कि प्रशासन की जो चुनौती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिन्होंने सारी जिंदगी की कमाई एक मकान की नींव में डालकर, तमाम अरमानों के छप्पर ढालकर एक आशियाने को बनाया, वो आसानी से हार नहीं मानते। लेकिन गंगा के इस क्रोध के आगे सारे संघर्ष बेकार हो चले हैं। गंगा का पानी घरों की चौहद्दी को लांग गया तो घर छोड़ना मजबूरी हो गया, जरूरी हो गया। तो पहले क्यों नहीं निकल गई थी आप? अब पहले नहीं गया, सोचे इतना पानी नहीं आएगा, घर के लोग निकल गए। मोबाइल चश्मा मारे। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा के इलाकों के इन मकानों को देखकर आह ना भरिए, बस इनमें रहने वालों की सोचिए, सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। गंगा का बढ़ता हुआ पानी जब प्रयागराज के सलोरी में पहुंचा तो सलोरी की गलियां पूरी तरीके से पानी से भर गईं। आप देखिए कि एक गली है सलोरी मोहल्ले की, और यहां पर गली में करीब करीब 5 से 6 फीट का पानी लगा है, और गली में
यहाँ पर नाव चल रही है, तो लोग जो यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाना है अपना सामान वगैरह लेके, वो सब नाव के जरिए अपने घर से निकल रहे हैं और यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। तो देखिए ये घर है, पूरा घर खाली है और जो भी यहाँ रहते थे वो सब लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत लोग फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर रह भी रहे हैं वो भी जो अपना सामान है वो नावों पर रख कर यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए हर घर की यही कहानी है कि लोग यहाँ से धीरे धीरे अब निकलते जा रहे हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो आने वाले दिन हैं वो और मुश्किल भरे हो सकते हैं। देखिए किस तरह से एक परिवार जो है फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है और वहाँ पर बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो बुज़ुर्ग खिड़की से झाँक रहे हैं जिस तरह की परिस्थिति है, और वो लगातार जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसकी वजह से लोग यहाँ पर अब सेफ जगह पर शिफ्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से नाव है, सामान लेकर यहाँ से लोग अब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। और प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में रहने वाले लोगों का दर्द सलोरी के लोग भी आसानी से समझ सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि बाढ़ की वेदना बड़ी होती है क्योंकि ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि अपने साथ दर्द का दरिया और पलायन की पीड़ा साथ लाती है। लोग ना चाहते हुए भी अपना घर अनाज छोड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में NDRF की टीम देवदूत बनी हुई है। मैं इस वक्त प्रयागराज के सलोरी इलाके में हूं और इस इलाके में आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि गलियों में हर तरफ गंगा का पानी आ चुका है, और ये जो NDRF की टीम यहाँ पर कॉल सेंटर पे फ़ोन के हिसाब से रेस्क्यू करने आई है वो लोकेशन ढूंढने में उसको काफ़ी जद्दोजहद उठानी पड़ रही है क्योंकि जिन्होंने कॉल सेंटर पे कॉल किया वो अपना पता बता पाने में सक्षम नहीं है, और यही वजह है कि NDRF गली गली ऐसे ही उस व्यक्ति को तलाश रही है जिस व्यक्ति ने कॉल करके NDRF को बुलाया है। तो लगातार कोशिशें जारी हैं NDRF की तरफ के कि वो जो कॉल करने वाले व्यक्ति हैं जिनके पैर का ऑपरेशन हुआ ऐसा बताया जा रहा है उनको ढूंढ कर उनका रेस्क्यू करके उनको सेफ जगह पहुंचाए। हालत ये है कि बाढ़ के पानी में मिलकर नाले के पानी ने भी अपना रंग बदल लिया है, लेकिन तैरती गंदगी उसके होने का सबूत दे जाती है, और ऐसे पानी में भला कौन पैर रखना चाहेगा। लेकिन ये NDRF के जवानों का हौसला ही तो है जिसे ये गंदा पानी भी डिगा नहीं पा रहा। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद करीब NDRF की टीम जब घर के अंदर पहुंची शटर खोल के, उसके बाद जो महिला है जिनके पैर में प्रॉब्लम थी और कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है उस महिला को अब देखिए रेस्क्यू करके किस तरीके से किस मुश्किल हालात में NDRF के जवान यहाँ लेके आ रहे हैं। ये देखिए ये घर का जो रास्ता है ये बेहद सकरा है और यहाँ पे शटर के रास्ते पहले जवान ऊपर छत पे गए, और ये एक महिला है जिनको देखिए कंधे पे किस तरीके से ये लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल छत के पास तक जो पानी है और इस वजह से, और प्रॉब्लम ये है कि महिला का जो पैर है वो नहीं मुड़ता है। ऐसे में किस मुश्किल हालात में ये जो जवान हैं ये महिला को यहाँ पे देखिए रेस्क्यू कर रहे हैं, तो बेहद विषम परिस्थिति है। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और देखिए कैसे एक महिला को यहाँ पर रेस्क्यू करके घर से निकाला गया और यहाँ निकाल करके लाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है लेकिन चिंता की बात यह है कि तीन तरफ से नदियों से घिरे प्रयागराज शहर में पानी अब भी कम नहीं हो रहा, 5,000 से ज्यादा घर अब भी डूबे हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। खतरे का निशान 84.73 मीटर है जबकि गंगा 84.77 मीटर तक पहुंच गई, और खतरे के निशान को पार करने के साथ ही गंगा नदी के बाढ़ के पानी ने कई प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर खतरे की तलवार टांग दी क्योंकि सलोरी और छोटा बघाड़ा जैसे इलाकों में दूसरे शहर से आए कई लड़के परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। हमें कोचिंग जाने में दिक्कत होती है, सब्जी लाने में दिक्कत होती है, पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रही आप समझ लीजिए, जो कि हमें वास्तव में करना चाहिए। एग्जाम के लिए हमें तैयारी कर रहे हैं, हमें एग्जाम पढ़ाई ही करनी चाहिए लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और सब्जी मतलब महंगी करते चले जा रहे हैं, घर से एक लिमिटेड पैसे आते हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। प्रशासन का मदद हमें सर कोई नहीं मिल रहा है, हम लोग की कोचिंगें जाने आने में दिक्कत, सब्जी लाने में दिक्कत, चारों तरफ से पानी घिर चुका है और सारे बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। बाढ़ पे हम लोग के प्रशासन की तरफ से कोई बचाव कार्य नहीं है, कैद होकर चारों तरफ से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पानी चारों तरफ से आधा कीड़े मकोड़े घर में घुस जा रहे हैं, उसके दिक्कत बहुत ही हो रही है। पढ़ाई हम लोग की एग्ज़ाम आने वाला है, एग्जाम आने के बाद हम लोग कोचिंगें रुक जा रही है, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है 3-4 दिनों से सर। स्टूडेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है सर, बिजली कट गई है सर, और सप्लाई काट दिए गए हैं पानी की सर, पानी नहाने वहाने बड़ी दिक्कत हो रही है सर, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं सर। 18 तारीख को TGT का एग्ज़ाम है मेरा, इसलिए रुके हुए हैं, लेकिन सर देखिए अगर पानी कम हो तो कहीं हम जा कर रुकेंगे सर दूसरे लॉज में,
सबसे बड़ी बुक वगैरह सब भीग गए हैं सर, पता नहीं था उस दिन में, रात में सोए पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया सर। अचानक पानी बढ़ा तो प्रयागराज के लड़कों को कुछ समझ नहीं आया और वाराणसी के लोगों का भी हाल यही है, क्योंकि गंगा का क्रोध सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, वाराणसी भी उस प्रकोप को बखूबी महसूस कर रही है। 80 की गलियों में गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। जो 80 घाट का इलाका है, यहाँ पर लोगों का आना जाना है वो काफ़ी मुश्किल हो गया, और जो दुकानें हैं वो दुकानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं, क्योंकि दुकानों के अंदर भी पानी जा रहा है, तो लोगों ने दुकानों के अंदर एक दीवारें खड़ी की हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। और साथ ही जो गली है जहाँ पर गाड़ियाँ भी चली जाती थी, बाइक्स भी जाते थे और लोग भी पैदल 80 घाट तक जाते थे, वो पूरी सड़क इस वक्त यहाँ पर पानी से लबालब भरी हुई है। और जिस तरीके से पानी यहाँ पर बढ़ रहा है, पानी बढ़ने की वजह से जो परेशानियाँ हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और परेशानी बढ़ने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 80 घाट के किनारे जो पुजारी पूजा पाठ कराया करते थे वो अब सड़क पर आ चुके हैं। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है और परेशानी का यहाँ सामना किया जा रहा है। गंगा का पानी चरम सीमे पर पहुँच चुकी है, इसलिए यहाँ के जितने भी लोकल के रहने वाले हैं इस पानी से, गंगा के पानी से अतीव परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनारस के घाट ही डूबे हैं, बल्कि अब पानी किनारे के इलाकों में घुस चुका है। वाराणसी में अभी गंगा ने खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन खतरा इस बात का है कि गंगा यहाँ भी खतरे के निशान को पार करने के लिए बेताब है। कई घरों को जमींदोज कर देने वाले पानी की बेताबी को ये तस्वीरें बखूबी समझा जाती हैं। मेरे पीछे वाराणसी के सामने घाट का महेश नगर इलाका है, और बिल्कुल सामने आप देखिए जो मंदिर है और बाकी घर हैं उनका एक तल्ला लगभग डूबा हुआ है, और इस बाढ़ की वजह से एक मकान है जो आधा गिर चुका है और अब बाकी जो हिस्सा है वो लटका हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो ये निचले इलाके हैं, निचले इलाके गंगा में इस वक्त समाहित हो चुके हैं, और यहाँ पर महेश नगर का जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी सारे घरों में पानी भी आया है, और लोग जो है अपनी बालकनी में या अपने बरामदे के बाहर खड़े हैं और इस जल प्रलय को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पानी और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी। ये जो गिरा हुआ मकान है, इसके पास इस पेड़ को देख कर अंदाज़ा लगाइए कि पेड़ काफ़ी ऊँचा है और लगभग आधा पेड़ डूबा हुआ है पानी में, और उसके ठीक पीछे जो मकान है वो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस तरह के हालात हैं वाराणसी में, जहां दिन प्रतिदिन जो गंगा है वो अपना रौद्र रूप लेती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।